होली आने वाली है और हमें बनानी है बहुत सारी चाट, दही वड़े, बहुत सी चीजें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की जब खट्टी मीठी चटनी दही वड़े पे, पानी पूरी पे, टिक्की चाट पर, पापड़ी चाट पर, सेब पूरी पर ना पड़े तब तक मजा नहीं आता। बनाने में बहुत ही आसान है और एक बार बना लीजिए पूरे 2 महीने के लिए आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट स्टाइल इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 100 ग्राम इमली। जो साबुत इमली इस तरह से आती है ना, जिसमें बीज नहीं होते, आजकल तो मार्केट में सीडलेस बहुत ही आसानी से मिल जाती है, यानी बिना बीज वाली, तो आप 100 ग्राम वाली इमली ले लें। ये देखिए पैकेट पर कुछ इस प्रकार लिखा रहता है, सीडलेस इमली। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें बीज नहीं होते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, सिर्फ पल्प होता है जो आप आसानी से पानी में भिगो करके निकाल सकते हैं। यदि आप बीज वाली ले रहे हैं तो पहले बीज हटा लें, उसके बाद आप इमली को लें। तो सबसे पहले आप लीजिए एक कोई बोल, और बोल में हम इमली को अच्छे से भिगो देंगे। 100 ग्राम इमली अब मान के चलिए करीबन 1 कप के करीब है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप गर्म पानी। बिल्कुल गर्म गर्म पानी डाल देंगे, इससे क्या होगा कि इमली बहुत ही जल्दी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लेगी। और अगर आप नॉर्मल पानी में भिगो रहे हैं तो लगभग 1 घंटा इमली को आसानी से सॉफ्ट होने में लग जाता है। गर्म पानी में करेंगे तो सिर्फ आपको आधा घंटा ही इसको भिगोना होगा। तो मैंने बढ़िया गर्म पानी में इसे भिगो दिया है। अब यदि आपको और भी ज्यादा जल्दी है तो आप इसे पानी में गैस पर रखकर अच्छे से उबाल लें, तो आपको तुरंत काम हो जाएगा। या फिर आजकल मार्केट में इस तरीके की इमली के यानी टैमरिंड कॉन्सेंट्रेट भी मिलते हैं, आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरह से इमली वाला आप बनाएंगे पल्प तो इसमें ज्यादा स्वाद आएगा। तो चलिए इमली को आधे घंटे के लिए इसी तरह गर्म पानी में भीगने देते हैं। आधा घंटा हो गया है, इमली को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हमारी इमली हो गई है। अब हम आसानी से इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम इस इमली को डाल देंगे। अगर आपको लगे पानी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा पानी आप अलग से निकाल दें, बाद में उसे यूज करें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इमली को अच्छी तरीके से पीस लेंगे और इसका एकदम बढ़िया पल्प तैयार करेंगे। अगर मिक्सी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप क्या करें, इसको हाथ से मसल मसल के एकदम इसका पल्प तैयार कर लें। आप हाथ से मसलेंगे तो इसमें इसका पेस्ट पूरा चला जाएगा और आपको एकदम स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इमली को पीस लिया और बिल्कुल देखिए गाढ़ा सा हमें पेस्ट मिल गया है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो बची हुई इमली को भी हम बिल्कुल इसी प्रकार पीसेंगे। और इस तरह पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसमें होते हैं बहुत सारे रेशे, इमली का रेशा होता है, थोड़े बहुत उसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो होती है। तो हम इमली के पेस्ट को बिल्कुल इसी तरह नहीं लेंगे, इसे हम एक बार छान लेंगे। तो आप एक बोल लें और एक लगाएं छलनी, और छलनी पर हम सारा पेस्ट इमली का डाल देंगे और सारे पल्प को हम छलनी से पूरा छान देंगे, जिससे कि हमें नीचे एकदम फाइन पल्प इमली का मिल जाएगा और सारा रेशा अलग हो जाएगा। और ये देखिए किस तरह से जो भी रेशा था इमली का सब ऊपर रह गया है, सारा छान लेंगे हम। और जिस ग्राइंडिंग जार में हमने पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी, 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसके ऊपर डाल देते हैं। जो मिक्सी में लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा, तो वेस्ट क्यों करें। तो इसी पर डालकर इसको भी छान देंगे, और ये हमारे सब रेशे जो थे वो अलग हो गए। तो इस तरह छाने से फाइन पेस्ट इमली का मिल जाएगा, बिल्कुल स्मूथ और एकदम सही कंसिस्टेंसी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे बनेगी चटनी क्या? अरे नहीं, अभी ये आधी स्टेज पर है। अब आप इस पर रखिए एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। बहुत ज्यादा ऑयल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, फ्लेम को यहाँ आप लो मीडियम कर दीजिए। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, जो हमारी खट्टी मीठी चटनी को देगा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। जीरा चटकते ही अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, जो कि बहुत ही जरूरी है खट्टी मीठी चटनी में। लो फ्लेम पर दोनों चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब हींग के पकने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ इमली का फल, और इमली वाले बोल में ही 2 चम्मच पानी डाल करके जो भी इमली का पल्प बोल पे लगा हुआ हो वो भी इसी में आप ऐड कर दीजिए। अच्छे से करेंगे मिक्स, फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम और बढ़िया से पकाएंगे। अगर पानी की मात्रा आपसे गलती से थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है तो आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ तो हम फाइनली पका रहे हैं तो उसमें वो एवोपरेट हो जाएगा।
अब जैसे हमने अच्छी तरह इमली को भिगो करके और उसको फिर पीस करके छाना तो हमें पल्प मिला। अगर आप डैमरिन कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं यानी कि बना हुआ बाजार का रेडीमेड पल्प, तो आप इस स्टेज से फिर शुरू कर सकते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना। और देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो बस इस स्टेज पर मीडियम फ्लेम करते हुए मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम गुड़ यानी जैगरी, जो इसमें देगी बहुत ही बढ़िया स्वाद। और फिर जो इमली की चटनी में वो खट्टा मीठा टेस्ट होता है, वो असली चीज ये गुड़ी होता है उसमें, तो उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। यानी 100 ग्राम मैंने इमली ली तो 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। यदि आप और ज्यादा गुड़ डालना चाहें तो इसमें 150 ग्राम तक गुड़ डाल सकते हैं। और इसमें जो आप गुड़ डालें ना, उसको पहले से ही क्रश कर लीजिएगा जिससे कि जल्दी से ये घुल जाए। तो चलिए गुड़ तो इसमें घुल रहा है, इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर डालने से एक तो चटपटापन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इसका बढ़िया कलर भी हो जाएगा। और अब इमली की चटनी में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर, जिसे आप ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। तो यदि आपके पास सौंठ का पाउडर ना हो तो उसके लिए परेशान ना हो, आप क्या करें, जब आप मिक्सी में इमली को पीसेंगे ना, तभी छोटे छोटे पीस अदरक के डाल दीजिए और उस पल्प के साथ ही पीस दीजिए, तो वो पिस जाएगा बढ़िया से, फिर आपको सौंठ का पाउडर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, जिसे आप ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। काला नमक चाट हो, चटनी हो, इस तरह से हम जो खट्टी मीठी ये इमली की चटनी बना रहे हैं ये हो, इनमें जरूर पड़ता है। काले नमक से जो स्वाद है वो और भी बढ़ जाता है। साथ ही इस चटनी को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, ये आप जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा आपकी चटनी में। जो चटनी आपने देखा है ना, जब खट्टी मीठी चटनी वो डालता है चाट वाला, चाट के ऊपर या दही बड़े के ऊपर हम डालते हैं, इसमें जो मसाले डाल रहे हैं ना, उसके फ्लेवर फिर वो निकल कर आते हैं, मजा आ जाता है खाकर। और फाइनली इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। जीरे को आप तवे पर डाल के यूं ही सूखा भून लें और उसके बाद पीस लें, तो उससे आपका भुना हुआ जीरा पाउडर तैयार हो जाएगा। ये चटनी में जरूर पड़ता है और इससे आप डाल के देखिएगा, चटनी में गजब का टेस्ट डेवलप हो जाता है। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी डालने से जो खटास होती है इमली की वो बैलेंस हो जाती है और स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। बढ़िया खट्टी मीठी चटनी हो इमली की तो स्वाद भी बढ़िया आएगा चाट में। तो अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। यदि आप चीनी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह जैसे मैंने बताया गुड़ की मात्रा बढ़ा लें, या अगर आप गुड़ से नहीं बनाना चाहते पूरी तरह से चीनी से बना लें। तो अब चीनी मैंने 4 चम्मच डाली, आप अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ी पतली है तो भी हम थोड़ा और पकाएंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट मैंने और उबाला है और आ गया ना वही वाला टेक्सचर और वही वाला कलर जो बाजार वाली चाट पर पड़ता है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है चटनी, आप इसे जरूर बनाएं। बच्चे तो यूं ही रोटी पराठे भी इसी से खा लेते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है या नहीं, जब आप इस तरह से कोई भी चम्मच या स्पैटुला डिप करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर इसकी पूरी कोटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। तो बस ये इसका इंडिकेशन है कि जो कंसिस्टेंसी है इमली की चटनी की बिल्कुल परफेक्ट है, इससे पूरा कोट हो रहा है और ठंडी होने के बाद ये अभी और थिक हो जाएगी। बस इस स्टेज पर गैस को कर देंगे हम बंद। इस खट्टी मीठी इमली की चटनी में हम यहाँ कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स वाली इमली की चटनी होती है वो कचौड़ी वगैरह से खाई जाती है, वो चाट के ऊपर नहीं पड़ती। यदि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो आप इसमें, जब हमने इमली का पल्प डाला था तभी उसमें आप थोड़े से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, मगज के बीज, ये सब चीजें डाल सकते हैं। और इमली की खट्टी मीठी चटनी है बिल्कुल तैयार। ये ठंडी भी हो गई है, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी थिक और एकदम मजेदार। और ये देखिए जब आप इस तरह डाल रहे हैं इस तरह रिबन से बन रहे हैं, ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी इमली की खट्टी मीठी चटनी की। बस इस तरह से बना करके एक बॉक्स में आप भर करके रख लें। यदि आप फ्रिज में रखेंगे तो 2 महीने भी बिल्कुल खराब नहीं होगी, और नॉर्मल टेम्परेचर में यानी बाहर भी रखते हैं 1 महीने ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। और इस खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी को आप किसी भी चाट जैसे आलू टिक्की, पानी पूरी, दही बड़ा, सेब पूरी, किसी भी चाट पर या पराठे, रोटी, पूरी, इन सब के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्पेशल झटपट बनने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और हेलो पर भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।